नमस्कार, इंडिया न्यूज राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। राजस्थान में नए जिले अब तेजी से सामने आने लगे हैं। प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार ने 19 में से 15 जिलों के लिए IAS और IPS OSD की नियुक्ति कर दी है, जो सीमांकन का पूरा काम तेजी से कर रहे हैं। कई जिलों में सीमांकन का काम पूरा भी कर लिया गया है और उसकी रिपोर्ट सरकार को भेज भी दी गई है, जिसके बाद अब माना यह जा रहा है कि जुलाई में राजस्व विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी जाएगी, जिसके बाद घोषित नए जिले अस्तित्व में आ जाएंगे। इसके साथ साथ बचे 4 जिलों के विवाद का भी निपटारा किया जा रहा है। इसमें जयपुर जिले से जुड़े विवाद का निपटारा कर दिया गया है। जयपुर के 250 वार्ड एक ही जिले में रहेंगे, जबकि सांभर और फुलेरा जैसी तहसील अब जयपुर ग्रामीण जिले में शामिल हो जाएगी। चलिए अब आपको बताते हैं कि किन जिलों में कौन सी तहसीलें शामिल हो सकती हैं। जयपुर और अलवर जिले से अलग होकर बनने वाले नए जिले कोटपुतली में बहरोड, बानसूर, पावटा, नारायणपुर, नीमराणा को शामिल किया जा सकता है। बाड़मेर से अलग होकर नया जिला बन रहे बालोतरा में पचपदरा, कल्याणपुर, सिवाना, समदड़ी, सिधड़ी, बायतू तहसील के कुछ हिस्से शामिल किए जा सकते हैं। अलवर से अलग होकर खैरथल नया जिला बनने जा रहा है, जिसमें कोट, कासिम, तिजारा, खैरथल, किशनगढ़बास, टपूकड़ा, हरसोली, मुंडावर तहसील शामिल हो सकती है। यहां पर डॉक्टर ओपी बैरवा को ST लगाया गया है। लंबे वक्त से ब्यावर को जिला बनाने की मांग थी। नए बनने वाले ब्यावर जिले में मसूदा, विजयनगर, टॉडगढ़ के साथ साथ राजसमंद जिले में भीम और पाली जिले से रायपुर और जदारड़ तहसील जुड़ने की संभावना है। भरतपुर से अलग होकर बनने वाले नए जिले डीग में 8 तहसील शामिल हो सकते हैं, जिसमें कुम्हेर, डीग, कामा, पहाड़ी, नगर, सीकरी, जनुधर, राहर शामिल हो सकते हैं। सवाई माधोपुर से गंगापुर सिटी अलग होकर नया जिला बनने जा रहा है, जिसमें मामनवास, वजीरपुर शामिल हो सकते हैं, जबकि करौली जिले से नादौता, टोडा भीम तहसील को इसमें शामिल किया जा सकता है। जोधपुर से अलग होकर फलोदी नया जिला बनने जा रहा है, जिसमें फलोदी के साथ साथ लोहावट, बाब, देचू, बापड़ी, सेतरावा, घंटियाली, आऊ, जैसलमेर से नाचना और नूक उप तहसील शामिल हो सकती है। अजमेर से अलग होकर केकड़ी नया जिला बनने जा रहा है। ऐसे और भी तमाम तहसील हैं जो नए जिले में शामिल हो सकते हैं। आगे और भी बड़ी जानकारी, खबर से जुड़ी हर अपडेट आप सभी तक पहुंचाएंगे। बने रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान के साथ। धन्यवाद।